सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। चैनल पे अभी प्लेयर टू वॉच आउट की सीरीज चल रही है और थैंक यू वेरी मच, आप इस सीरीज पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो भाई सिंपली थैंक यू। साथ ही मैं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि टॉम बैंटन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो फिर लो आज बात कर ही लेते हैं। देखते हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन में कौन सी टीमें टॉम बैंटन को खरीदने वाली है। ये है प्लेयर टू वॉच आउट का एपिसोड नंबर 7 और आज कवर करते हैं टॉम बैंटन को। सबसे पहले तो भाई आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया जाए। टॉम बैंटन इंग्लैंड के एक विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग अच्छी करते हैं, इंग्लैंड की तरफ से अभी 3 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, डेब्यू इनका हो चुका है, वहां पर भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखा है, लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा था। साथ ही में अभी जो T10 लीग चल रही है वहां पर भी इनका फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था, लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई T10 लीग और IPL में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन भाई फॉर्म तो एक ही होता है और टॉम बैंटन का फॉर्म अच्छा चल रहा है। साथ ही में सारी टीमें इनको एज अ बैकअप ही टारगेट करने वाली है, किसी भी टीम का यह प्राइमरी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। टॉम बैंटन को एज अ बैकअप ओपनर के रूप में सारी टीमें टारगेट करने वाली है। एक एक करके टीमों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो हाँ भाई बेंगलोर की टीम बिल्कुल से टारगेट करने वाली है। बेंगलोर की तरफ से अभी ओपनिंग करने वाले हैं पार्थिव पटेल और देवदत्त पडिक्कल। अब भाई दिक्कत यह है कि दोनों में से किसी का भी फॉर्म अगर नहीं आता है तो आप टॉम बैंटन को खिला सकते हो। अगर पार्थिव पटेल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो आप टॉम बैंटन को इनकी जगह खिला सकते हो, क्योंकि टॉम बैंटन आपको एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, और पडिक्कल का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो भी आप टॉम बैंटन को खिला सकते हो। दूसरी टीम केकेआर, इनको दो तरीके से टारगेट करने वाली है। पहली बात है कि एज अ बैकअप विकेट कीपर, इन्होंने अभी रॉबिन अथोपा को जाने दिया है, तो भाई विकेट कीपिंग ऑप्शन में सिर्फ इनके पास अभी दिनेश कार्तिक ही है, तो इनको बैकअप विकेट कीपर ढूंढना पड़ेगा और टॉम बैंटन इनके लिए एक अच्छा कीपर हो सकता है। साथ ही में दूसरी बात, एज अ ओपनर भी टारगेट कर सकती है, क्योंकि इन्होंने अभी क्रिस लिन को छोड़ा है, तो भाई इनको ओपनर की दरकार है और टॉम बैंटन एक बहुत अच्छा ओपनर हो सकता है। साथ ही में केकेआर की टीम तो इनको एज अ प्राइमरी प्लेइंग 11 में भी देख सकती है, सो केकेआर भी टॉम बैंटन को खरीदने वाली है। तीसरी टीम की बात करें दिल्ली कैपिटल्स, तो कैपिटल्स की टीम भी यहां पर टॉम बैंटन के पीछे जाने वाली है। इनकी ओपनिंग अभी करने वाले हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। अगर दोनों में से किसी का भी फॉर्म ऊपर नीचे होता है, किसी को भी इंजरी होती है, तो आप बोलोगे कि जो अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे खेलने वाले हैं वो भी ओपनिंग कर सकते हैं, तो हाँ भाई मैंने आपकी बात मानी, लेकिन एक बैकअप ओपनर तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, एक बैकअप ओपनर तो होना ही चाहिए और वो हो सकता है टॉम बैंटन। तो दिल्ली की टीम भी टॉम बैंटन को खरीदने वाली है। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब, तो हाँ भाई पंजाब की टीम भी खरीद सकती है, क्योंकि पंजाब की टीम के भी ओपनिंग कर रहे हैं क्रिस गेल और KL राहुल। KL राहुल का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है नो डाउट, लेकिन क्रिस गेल भाई इनका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है, ये एक मैच में सारी परफॉर्मेंस निकाल देते हैं, एक मैच में चलते हैं तो भाई बहुत मारते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की दिक्कत बहुत ज्यादा है क्रिस गेल के साथ। तो अगर पंजाब की टीम सोचे कि क्रिस गेल को अगर वो प्लेइंग 11 से बाहर कर दे तो आप टॉम बैंटन को अंदर ले सकते हो। इसके बाद बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो भाई रॉयल्स की टीम भी टारगेट कर सकती है टॉम बैंटन को। इनके भी ओपनिंग करने वाले हैं संजू सैमसन और जॉस बटलर। अगर बटलर का परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे होता है या फिर अगर बटलर को इंजुरी भी हो जाती है तो बटलर का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट होने वाला है यहां पर टॉम बैंटन प्लेइंग 11 में। बटलर कीपिंग भी करते हैं और ये टॉम बैंटन भी कीपिंग करते हैं, मोस्ट लाइकली बैंटन इनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो सुपर किंग्स की टीम ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि वो बैंटन को टारगेट करने वाली है, तो भाई बैंटन को CSK की टीम भी खरीद सकती है। खरीदना क्यों चाहती है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि 5W का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, क्रिस लिन वाली वीडियो में और जेसन रॉय वाली वीडियो में, कि इनको एक ओपनर की दरकार रहने वाली है, बैकअप ओपनर की दरकार रहने वाली है, और CSK की टीम को टॉम बैंटन से अच्छा बैकअप ओपनर मिलेगा नहीं, तो CSK की टीम भी टारगेट करने वाली है। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, तो हैदराबाद वो पहली टीम है जो ऑक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगी टॉम बैंटन के पीछे। इनकी ओपनिंग करने वाले हैं जॉनी बेस्टो और डेविड वॉर्नर। अगर बैकअप ओपनर लगे तो भाई श्वेतावस गोस्वामी है, रिद्धिमान शाह है और केन विलियमसन भी है जो नंबर 3 पे खेल रहे हैं, तो इनको दरकार नहीं है और ये टॉम बैंटन के पीछे नहीं जाने वाले हैं। अगली टीम की बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो भाई मुंबई इंडियंस की टीम ने CSK की तरह पहले ही बोल दिया था कि वो टॉम बैंटन को टारगेट करने वाली है। मोस्ट लाइकली टॉम बैंटन को टारगेट क्यों कर रही है, क्योंकि इन्होंने एविन लुइस को भी छोड़ा है, साथ ही में अगर क्विंटन डिकॉक को इंजुरी हो जाती है तो क्विंटन डिकॉक भी विकेट कीपर है, टॉम बैंटन भी विकेट कीपर है, दोनों ही बैट्समैन ओपनिंग करते हैं, तो इसीलिए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो मुंबई इंडियंस की टीम भी टॉम बैंटन को टारगेट करने वाली है। साथ ही में एक रीसेंट इंटरव्यू में भी टॉम बैंटन ने बोला था कि वो मुंबई इंडियंस की टीम से खेलना चाहते हैं आईपीएल 2020 के लिए, तो देखते हैं अब क्या मुंबई इंडियंस की टीम ही टॉम बैंटन को खरीदने वाली है। तो मोस्ट लाइकली अगर अब यहां पर समराइज कर लिया जाए तो हैदराबाद के अलावा सातों ही टीमें टॉम बैंटन को टारगेट करने वाली है। अब अगर आप बोलते हो कि भाई टॉम बैंटन को इतनी सारी टीमें टारगेट कर रही है तो बैंटन की प्राइस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 8 या 9 करोड़ रुपए आराम से मिलने चाहिए बैंटन को। पर दिक्कत यह है कि सारी ही टीमें एक बैकअप ओपनर के रूप में टॉम बैंटन को टारगेट कर रही है, तो वो इतना पैसा बैंटन के ऊपर नहीं लगाने वाली है। अगर बैंटन आखिर
आखिरी में आते हैं टीमों के पास अगर पैसा बचा हो तो कई बात होती है कि बैंटन के ऊपर ज्यादा बोली जाने वाली है, नहीं तो भाई एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक कि टॉम बैंटन 2 या 3 करोड़ रुपए के आसपास बिक सकते हैं। इवन भाई 2 करोड़ के नीचे भी टॉम बैंटन जा सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ प्राइस होने वाली है टॉम बैंटन की, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगा दो तो भाई 3 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, बैंटन को इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो ये तो थी भाई डिटेल्ड एनालिसिस टॉम बैंटन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जाना। अगला प्लेयर टू वॉच आउट एपिसोड नंबर 8 किसके ऊपर बनाया जाए नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल से बता देना। सो फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।